कृष्णा श्री हरिदास। देखिए मैं रेनू तंवर आज आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने कान्हा जी को नहलाने के बाद उनको तैयार कैसे करती हूँ। तो आप बताना, इनके एंड में बताना कि मेरा लड्डू गोपाल तैयार होने के बाद कैसा लग रहा है। अभी आप देखना, मैं वीडियो बना रही हूँ और उसमें बता रही हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल को कैसे उनका श्रृंगार करती हूँ, उनके तैयार करती हूँ। आज नवरात्रा है, फर्स्ट नवरात्रा है, तो मैंने सोचा मैं देवी माता की तस्वीर लगा के मतलब दिया बाती बाद में करूँगी, पहले जो हमारी दिनचर्या है जो मैं हर रोज़ करती हूँ मैं वही करूँगी। मैं अपने लड्डू गोपाल को मैंने स्नान करवा दिया है और अब मैं इनका श्रृंगार करूँगी। मैं सबसे पहले इनको निक्कर पहनाऊँगी। मैंने इनको निक्कर पहना दी हैं, अभी मैं इनको ये वाले कपड़े पहनाऊंगी। ये देखिए मैंने इनको कपड़े पहना दिए हैं। मैंने अभी वीडियो बनाना स्टार्ट ही किया, अभी मैंने जो मेरा चैनल है अभी मैंने स्टार्ट किया है, तो मुझे इतना पता नहीं है कि कैसे व्यूवर्स को दिखाते हैं क्या करते हैं, लेकिन जितना भी मुझे पता है जितना भी आता है मैं करूँगी। और प्लीज़ कोई मिस्टेक हो जाए तो आप लोग मुझे एडवाइस देना कमेंट करके, तो मैं वो करूँगी, फॉलो करूँगी। और एक मेरी तबीयत भी थोड़ी डाउन रहती है तो उस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती। अभी मैं अपने लड्डू गोपाल का श्रृंगार करूँगी। ये सबसे पहले हम इनको माला पहना देंगे। मैंने इनको दो दो माला पहना दी हैं। अब मैंने ये भी बना दिया है, अभी इसका दूसरा कहाँ है, ये दूसरा भी पहना देते हैं। अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। इन पे ग्रीन कलर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इनको ग्रीन कलर हमेशा लगाती हूँ। जब मैं इनको ग्रीन कपड़े पहनाती हूँ तो मैं इनको ग्रीन कलर अवश्य लगाती हूँ। देखिए आपको कैसा लगा वो बताइएगा। अब मैं इनको लिप ग्लॉस लगाऊंगी। अभी बताइए मेरा कान्हा कैसा लग रहा है। अभी मैं इनको मोर पंख लगा दूंगी। और इनकी बांसुरी, जब भी मैं इसको तैयार करती हूँ बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो लगता है क्योंकि मैं इसको अपना बच्चा बनाकर लाई हूँ। और इसको जब भी मैं नहलाती हूँ या कुछ भी करती हूँ तो मुझे ये सुंदर ही लगता है। आप लोगों को कैसा लगता है वो आप मुझे बताइए कमेंट करके, लेकिन मुझे तो अपना बच्चा सुंदर ही लगता है। और अगर आपको मेरा बच्चा सुंदर लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।